नवरात्रि का जश्न पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी तरह से खारघर की साई मन्नत सोसाइटी सेक्टर 34A में भी नवरात्रि का जश्न बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के इस मौके पर साई मन्नत के लोगों ने नवरात्रि का जश्न मनाते हुए बिल्डर मनीष भटीजा को इस मौके पर बुलाकर मान सम्मान दिया। पैराडाइज ग्रुप के MD मनीष भटीजा ने माता का दर्शन किए और लोगों के साथ भजन कीर्तन में शामिल हुए। साई मन्नत के लोगों ने कहा कि पैराडाइज ग्रुप ने जिस तरीके से हमको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसे हम बखूबी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग मिलजुल कर सारे त्यौहार मनाते हैं। नवरात्रि हो, दिवाली हो, होली हो या ईद, सभी तरीके से त्यौहार हम सब मिलकर मनाते हैं। इस मौके पर पहुँचे मनीष भटीजा ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें सारी सुविधाएं देते हैं। मनीष भटीजा ने सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभेच्छा दी। हमने अच्छा बनाया वो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उस वो इस तरीके से माता की जोत रख के इसको और पवित्र कर रहे हैं इस जगह को। और सबसे बड़ी बात है, सब लोगों का इतना प्रेम है आपस में। एक बिल्डर को इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है कि रहने वाले लोग सब बरकत में है और लोग सब एक दूसरे के साथ खुशी के साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं। और कोविड सिचुएशन ने ऑलरेडी लोगों को एक दूसरे के बहुत नज़दीक कर दिया है, ये उसका एग्जाम्पल है। और इस बार का डांडिया नवरात्रा बहुत अच्छे से सब लोग मना रहे हैं। मुझे भी इन लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया, इसके लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही एक बिल्डर और सोसाइटी का रिलेशन रहना चाहिए। थैंक यू। दशहरे की भी आप सब लोगों को, नवी मुंबईकर्स को, सबको, इस हमारे दर्शकों को, आप जरिए सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। धन्यवाद। सोसाइटी के मेंबर्स ने भी मनीष भटीजा के पहुंचने पर काफ़ी खुश नज़र आए और उनका शुक्रिया अदा किया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मनीष जी स्वयं यहाँ आके जो है माता रानी का आज दरबार लगा हुआ है और उन्होंने दर्शन लिए। ये हम सभी मन्नतियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक रेजिडेंशियल सोसाइटी उन्होंने बिल्ड किया, जिसको हम सभी इंजॉय कर रहे हैं और सभी सुविधाओं को जो है हम बहुत ही आनंदपूर्वक हर त्यौहार में जो है हर त्यौहार साथ में मिलकर मनाते हैं। तो बहुत ही आनंद का वातावरण है पिछले 7-8 दिनों से और अगले और 2 दिनों तक रहेगा, और निश्चित तौर पर आने वाले सभी त्यौहार मन्नतवासी इसी तरह मिलकर मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे और साथ में जो है इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। देखिए, अगर मन्नतवासियों की बात करेंगे तो हम हर त्यौहार यहाँ मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे नवरात्रि हो, गणपति हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हर त्यौहार हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं और उसका पूरा आनंद लेते हैं। बहुत एंजॉय करते हैं जितने भी लेडीज है, 9 दिन बहुत अच्छी तरह से तैयार होके माता जी का भजन कीर्तन प्लस मरने की आरती हम लोग सब साथ में मिलकर अच्छी तरह से सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत आनंद आता है। बना हुआ बिल्डिंग है और इतने लोग एंजॉय करें तो जरूर उनको खुशी होगी। बहुत खुशी हो रही है, उन्होंने इतना सुंदर बनाया है, हम सभी बहुत अच्छी तरह से उसको एंजॉय कर रहे हैं। FS News खारघर, नवी मुंबई।